वृद्ध से दुष्कर्म के मामले में आरोपी गिरफ्तार, पुलिस अधीक्षक ने प्रेस वार्ता में दी जानकारी। बैतूल मामला 13 तारीख का है, जहां पर सुक्तवा के जंगल में एक 62 वर्षीय वृद्ध के साथ भोपाल निवासी मनोज मालवी द्वारा दुष्कर्म का मामला सामने आया था। वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन में 4 से 5 टीमों ने सतत कार्रवाई की और सीसीटीवी फुटेज खंगालते हुए आरोपी की पतासाजी की। बताया जा रहा आरोपी नागपुर डॉक्टरों को छोड़ने गया था, लौटते समय डॉक्टरों से भी बहस हो गई, जिसके बाद डॉक्टर रास्ते में उतर गए। वहीं बुजुर्ग महिला को अकेला देख लिफ्ट देने के माध्यम से आरोपी ने वृद्ध महिला को सुक्तवा के जंगल ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म किया। पीड़िता की शिकायत के बाद आरोपी की पतासाजी की और आरोपी को भोपाल से गिरफ्तार कर उसे हिरासत में लिया गया। वृद्ध महिला के साथ अचानक एक टैक्सी ड्राइवर पीछे से आया और उसने कहा कि मैं आपको लिफ्ट दे देता हूँ। तो उसने भी मतलब अच्छे से उससे बात करके और उसको बहला फुसला के अपनी गाड़ी में बिठाया और जो है वो उसको सुक्तवा तक ले गया महिला को। उस बीच रास्ते में रोक के उसके साथ दुष्कर्म किया और उसके साथ मारपीट भी की और उसको सुक्तवा में ढाबे पर छोड़ कर आगे रवाना हो गया। तो पुलिस के लिए काफ़ी चैलेंजिंग मामला था क्योंकि एक अननोन टैक्सी ड्राइवर था और जिस जगह से ये महिला को बिठाया गया था कार में, वहाँ किसी प्रकार का कोई सीसी कैमरा वगैरह भी नहीं था। तो ये एक चैलेंजिंग था। तो आगे पूरे रास्ते में जो भी हम लोगों को फुटेज वगैरह मिले और जो टेक्निकल एविडेंसेस थे उसके आधार पे इस ड्राइवर को हम लोगों ने बहुत ही कम समय में पुलिस टीम ने राउंड अप कर लिया भोपाल से और अभी इससे पूछताछ जारी है। इससे पूछा जा रहा है कि और भी इस प्रकार की घटनाएँ इसमें हुई हैं, तो इस बारे में पुलिस टीम लगी हुई है निरंतर और इससे पूछताछ जारी है।